हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज प्रियंका चौधरी। आज की इस वीडियो में आप लोगों को नंबर सिस्टम का चैप्टर नंबर 1 का, तो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या, व्हाट इज द फॉलोइंग डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सप्रेशन इच हैज। जितने भी डेसिमल लिखे हुए हैं उसका हमको बताना है सर, ये कौन सा डेसिमल एक्सप्रेशन है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन है या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन। तो लेट्स सॉल्व करते हैं इसका फर्स्ट का फर्स्ट क्वेश्चन नंबर सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन नंबर सॉल्व करते हैं, 36/100 इज इक्वल टू, अब हमको 100 को डिवाइड करवाना है 36 में, तो 36 में डिवाइड करेंगे तो 100 के टेबल में तो 36 आता नहीं, इसलिए पहले ही पॉइंट डाल देंगे। ठीक, फिर यहाँ पे पॉइंट डाला तो यहाँ पे हम 0 डाल सकते हैं। तो हाँ, 100 के टेबल में 3 टाइम में 300 आता है, तो हमने यहाँ पे 3 टाइम लिख दिए। उसके बाद इसमें से माइनस किया तो 60 आया। अब हम यहाँ पे पॉइंट डाले हुए हैं, इसीलिए हम अपने मन से भी 0 डाल सकते हैं। तो यहाँ 6 टाइम में 600 आ गया, इसीलिए कट गया और इसका 0 आ गया रिमाइंडर। तो जिस डेसिमल का 0 रिमाइंडर आता है उसे क्या कहते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते हैं। ये कौन सा डेसिमल हो जाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल, इन डेसिमल इसका आंसर हो जाएगा। इसका फर्स्ट का सेकेंड क्वेश्चन नंबर देखते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। सेकेंड क्वेश्चन नंबर क्या क्या कह रहा है, इसको भी सॉल्व करना है। सेकेंड क्वेश्चन नंबर को 1/11 इज इक्वल टू 11 को डिवाइड करवानी है 1 से, तो 11 के टेबल में तो 1 आता नहीं है, यहाँ पर 0 पॉइंट डाला। तो फिर यहाँ पे अपने मन से पॉइंट डाले तो पॉइंट की तरफ से 0 डाल सकते हैं। अब यहाँ पे फिर नहीं लगा, अलेवन के टेबल में 10 आता नहीं, तो फिर यहाँ पे 0 डालेंगे, फिर यहाँ पे 1 0 यहाँ पे डालेंगे यहाँ पे लिख के। उसके बाद 99 अलेवन के टेबल में 9 टाइम्स में आता है, फिर 1 बच गया, फिर पॉइंट की तरफ से 0 डालेंगे और फिर हम यहाँ पे 0 डालने से पहले यहाँ पे 1 0 डालेंगे, फिर इस पे 0 डालेंगे, तो फिर 99 9 टाइम में आया, क्योंकि ये रिपीट होते जा रहा है। तो ऐसे डेसिमल को हम क्या कहेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल कहेंगे। जो डेसिमल एक ही नंबर जो डेसिमल बार बार रिपीट करते जाए उसको हम क्या कहेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल कहेंगे। तो इसको हम नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, क्योंकि रिपीट भी हो रहा है, सो रिपीटिंग डेसिमल भी कहते हैं, इसलिए इसको भी रिपीटिंग डेसिमल डेसिमल। ठीक, ये भी हो गया फर्स्ट का, सेकेंड भी हो गया। अब देखते हैं फर्स्ट का थर्ड क्वेश्चन। ठीक, तो सबसे पहले 4 1/8, सबसे पहले इसको तो मिक्स फ्रैक्शन है, तो इसको हमको प्रॉपर फ्रैक्शन में लाना है। तो 8 4 32 और यहाँ 33/8 क्या हो जाएगा, 33/8। अब देखिए, हम मिक्स फ्रैक्शन को हमने प्रॉपर फ्रैक्शन में कर लिया और इसको सॉल्व करेंगे, इसको भी डिवाइड करेंगे। तो देखिए, 8 को हम डिवाइड करेंगे 33 से। ठीक, 8 के टेबल में 4 टाइम्स में 32 आता है, फिर यहाँ पे बच गया 1, फिर हम यहाँ पे पॉइंट डालेंगे क्योंकि 0 लगाना है, फिर 1 टाइम्स में 8 आता है, फिर 2 बच गया 0, फिर 2 टाइम्स में 16 आता है, फिर 4, फिर 0, तो 8 5 40 यहाँ पे पूरा कट गया। तो दैट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल, क्योंकि जो ये कट जाए उसका रिमाइंडर 0 आ जाए, उसको हम क्या कहेंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल कहेंगे। तो ये कौन सा डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल, हमारा जाएगा टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा इसका आंसर। ठीक, अब हम चलते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड क्वेश्चन नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या कह रहा है, डेसिमल एक्सप्रेशन 2/7 3/7 4/7 5/7 6/7 का, और विदाउट लॉन्ग डिवीजन के, बिना लॉन्ग डिवीजन के निकालना है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या कह रहा है, 2/7 का पहले देखते हैं। 2/7 यहाँ पे 7 को डिवाइड करके देखते हैं 2 में, तो 0.0 लगाए, 14 हुआ, 2 टाइम्स में 6 बच गया, फिर 0 लगा, 56 हो गया, मतलब कि यहाँ पे 2 टाइम्स 0.2, तो 0.2 लिखे पहले। आप देखिए 2 कहाँ से आता है, 1 4 14 के बाद 1 4 के बाद 2 आता है, तो 2 के बाद कितने नंबर है, 8 5 7, तो उसको लिख लेंगे 8 5 7, अब बचे कितने 2, तो उसको लिख देंगे। ठीक, हम शॉर्टकट तरीका बता रहे हैं, लॉन्ग डिवीजन नहीं करना है, इसको लॉन्ग डिवीजन के मेथड में नहीं करना है, इसीलिए हम ऐसे करके बता रहे हैं। अब इसका फर्स्ट हो गया ये। ठीक, अब सेकेंड नंबर देखिए, सेकेंड नंबर में क्या करना है, 3/7, अब देखो 7 को भी यहाँ पे हम डिवाइड करके देखते हैं 3 में, 0 पॉइंट यहाँ पे 0 लगाए, तो 28 कितने बार में आ गया, 4 टाइम्स में। ठीक, 28 4 टाइम्स में आ गया, तो चलिए
और इसको टू 0.4। अब देखिए 4 किस टाइम में आता है, सेकेंड टाइम में आता है, तो 4 है तो 4 के बाद कितने नंबर है वो लिख लेंगे, 4, 2, 8, 5, 7, अब बचे कितने 1 को लिख लेंगे। ठीक, ये हो गया इसका डेसिमल एक्सप्रेशन। ठीक, अब इसका हम थर्ड देखते हैं, थर्ड में क्या है, 4/7, 4/7 को भी ऐसे करेंगे, 7 को पहले 4 से डिवाइड करके देखेंगे, 0.14 आ गया, तो 7 × 5 = 35 आता है, 5 बच गया, 7 × 5 = 35, तो 0.5 के बाद कितने नंबर है 7 है, 5 के बाद 7 है तो लिख दिया, अब बचा 1428, तो लिख देखो 1428, ये हो गया इसका डेसिमल एक्सप्रेशन। अब देखेंगे फोन नंबर क्या है हमारा, 5/7, 5/7 को भी ऐसे करेंगे, पहले इसको यहाँ पे हम डिवाइड करके देखते हैं, 5 को 0 लग गया, यहाँ पे 0 लग गया, 49 कितने बार आया, 7 बार, कितना आया है 7 × 7 = 49, तब 0.7, 7 के बाद कोई नंबर नहीं है इसलिए डायरेक्ट 7, 1, 4, 2, 8 और 5, ये हो गया इसका डेसिमल एक्सप्रेशन। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, 5 में क्या है, 6/7, इसको भी ऐसे करेंगे, 7 को पहले 6 से डिवाइड करेंगे, 0.16 आ गया, 7 की टेबल में 60 तो आता नहीं, तो 7 × 56 तब आपने आता है 49, 7 × 56 हमने यहाँ पे 56 लिख लिया, 0.8 = 0.8। अब देखते हैं 8 के बाद कितने नंबर, 5/7 लिख देंगे, अब 5/7 लिख लिए, अब कितना नंबर बचा, 1/2 ये लिखिए इसका डेसिमल एक्सप्रेशन। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, एक्सप्रेस दी फॉलोइंग इन दी फॉर्म पी क्यूब एंड पी एंड क्यू आर इंटीजर एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब इसमें बता ये जो दिया हुआ है क्वेश्चन, इसको पी क्यू के फॉर्म में लाना है और पी एंड क्यू आर इंटीजर, दोनों को इंटीजर हो और वो क्यू के इक्वल टू 0 ना हो। ठीक, तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व करके देखते हैं, अब 0.6 पे बार है तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू 0.6 पे बार, अब इसको हम खोल भी सकते हैं, 0.6666 हो गया, हमने खोल दिया इसको, एक डिजिट के ऊपर अगर बार रहे तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर टू डिजिट के ऊपर बार रहे तो इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर थ्री डिजिट के ऊपर बार रहे तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में एक डिजिट के ऊपर बार है तो इसको हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, तो मल्टीप्लाई x को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, तो 10x = 2, अब हमने यहाँ पे 10 लिया तो ये जो पॉइंट है यहाँ आ जाएगा, तो 6.6666। ठीक, अब हमको इसको डिवाइड करवाने, अब हम इसको माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट सेकेंड, इसको मान लिए फर्स्ट इक्वेशन, इसको मान लिए हम सेकेंड इक्वेशन, देखिए अब लिख दिए 10x = 2, अब यहाँ पे 10 है, एक के ऊपर बार है तो उसको हम एक स्टेप आगे पॉइंट डाल देंगे, तो 6.6666 लिख दिए, एंड सो ऑन, बहुत सारा नंबर। ठीक, अब हमको इसको क्या करना है, इसको हम मान लिए फर्स्ट इक्वेशन, इसको हम मान लिए सेकेंड इक्वेशन, अब हमको इस दोनों को सब्ट्रैक्ट करवानी है। ठीक, सब्ट्रैक्ट सेकेंड इक्वेशन फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, तो सेकेंड फर्स्ट इक्वेशन क्या है मेरा, 10x = 6.6666 एंड सो ऑन, x = 0.6666 एंड सो ऑन। ठीक, अब इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या आ जाएगा, ये सब 0 आ जाएगा, इधर का बना है सब 0 आ जाएगा, अब 6 में से 0 माइनस करेंगे तो 6 आ जाएगा, = उसका 9 आ जाएगा, 9x, x = 6/9, इसको कट करेंगे 2/3, दोनों 3 के टेबल में आ जाते हैं, कट करेंगे 2/3, इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2/3 आ जाएगा। ठीक, और सेकेंड बनाना, सॉल्व करना। ठीक, सो फर्स्ट जैसे सॉल्व किए थे वैसे सेकेंड भी सॉल्व करना, तो x = 0.47 पर बार। ठीक, x को खोलेंगे 0.4777। ठीक, एंड सो उसके बाद इसको हमने मान लिया फर्स्ट इक्वेशन, अब मल्टी, अब एक डिजिट के ऊपर बार है तो हम क्या जिससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से, तो मल्टीप्लाई x / 10, 10 से मल्टीप्लाई करवानी है तो हमें
अब लिखेंगे 10x इक्वल टू a से मल्टीप्लाई करवा दें तो यहाँ पे पॉइंट है ठीक। अब यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट, एक स्टेप आगे चला जाएगा पॉइंट ठीक, तो 4.777 ओके। ये हो जाएगा हमारा सेकेंड क्वेश्चन। अब हमको इस दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट सेकेंड फ्रॉम फर्स्ट, 10x इक्वल टू 4.777 उसका x इक्वल टू 0.4777 ठीक। ओके एंड सो ऑन, फर्स्ट नंबर इसको सब्ट्रैक्ट करवाएंगे तो देखिए ये 9 हो जाएगा, 9x इक्वल टू 4.7 में से 4 गया कितना हुआ 3 एंड 0 0 0 सो 0 ओके। तो x इक्वल टू 4.3 बाई 9, अगर एक पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 0 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 10 से कितना हो जाएगा 19, तो ये हो जाएगा हमारा x इक्वल टू 43/19 आंसर। यहाँ तक मेरा थर्ड क्वेश्चन नंबर अब फिनिश हो गया, अब हमने यहाँ पे अब मेरा थर्ड क्वेश्चन अब यहाँ तक खत्म हो गया। नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे क्वेश्चन बता देंगे।